कहते हैं एक बच्चे को अपनी माँ के गर्भ में विकसित होने में 9 महीनों का समय लगता है, लेकिन इस सफर की आखिर शुरुआत कहाँ से होती है? जब एक पुरुष एक महिला के साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं, तब पुरुष महिला के वजाइना में स्पर्म इजैकुलेट करते हैं। पुरुषों में एक बारी में 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, जबकि महिलाओं में एक बारी में सिर्फ एक ही अंडे बनते हैं। सेक्स करते समय वजाइना, यूट्रस और सर्विक्स तीनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे स्पर्म आगे की तरफ पुश होने लगता है। बहुत सारे स्पर्म तो वजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण खत्म हो जाते हैं, जबकि बचे हुए स्पर्म जब यूट्रस तक पहुंचते हैं, तब वहां के इम्यून सिस्टम स्पर्म को बाहरी सेल समझकर मारने लगती है। अब फलोपियन ट्यूब तक पहुंचते केवल 1000 स्पर्म ही बचते हैं, जो फलोपियन ट्यूब के सिलियरी सेल्स में फंसकर मर जाते हैं। अब कुछ दर्जनों स्पर्म ही अंडे तक पहुंचते हैं। इनमें से जो सबसे मजबूत स्पर्म होता है, वही अंडे में प्रवेश करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जब स्पर्म में से मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होती है, तब अंडे बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हुए एक भ्रूण का निर्माण करती है, जो आगे एक ऑर्गेनिज्म में बदल जाती है।